जोन 5 के पुलिस उपायुक्त निकेतन कदम ने गुप्त सूचना के आधार पर अवैध रेती की यातायात करने वाले 3 टिप्परों पर कार्रवाई की है। इस कार्रवाई में 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया कि भविष्य में भी पुलिस अवैध रेती मामलों पर सख्त कार्रवाई करेगी। कलमना परिसर से कई दिनों से अवैध तरीके से रेती की यातायात की जा रही है, ऐसी जानकारी डीसीपी को मिली थी और इस बात को ध्यान में लेकर जोन 5 के विजय नगर परिसर में ट्रैप लगाकर कार्रवाई शुरू कर दी। इस जांच में 3 टप्पर और 1 जेसीपी को जब्त किया है। इस कार्रवाई में कुल 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में सचिन मधुकर वैद्य, अंशुल महेश सुगेले, सागर कृष्णाजी मांतड़ी, सुदामा बंसी राजदार, कुणाल विजय ठाकरे, जयसिंह भरतलाल महात्रे, मान सिंह ढबुलाल नागेश्वर, महिपाल प्रभु मिश्रा, इनका समावेश है। हिंदी। कल हमें डीसीपी साहब जोन 5 उनको एक गोपनीय खबर मिली। गोपनीय खबर के आधार पर ऐसा मालूम हुआ कि विजयवाड़ा चौक के रोड पर अवैध रेती की वाहतूक होने वाली है। इसके लिए जोन 5 सर की टीम, स्पेशल टीम उन्होंने नियुक्त की है, वो टीम और कलमना थाने के पुलिस अधिकारी और कर्मचारी ये संयुक्तिक मिलकर हम वहाँ पे कार्रवाई करने हेतु पहुँचे। उस दौरान रात में सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग में कुछ ट्रक और क्रेन हमें वहाँ से आते हुए मिली। आने के बाद हमने उसके घर पकड़ा, उसमें अवैध रेती के 3 ट्रक और 1 क्रेन हमें जगह पर मिली है। उन सभी पर और उसके ऊपर हमें 9 लोग मिले हैं। इन सभी को हमने डिटेन किया है, आगे की कार्रवाई हेतु उनको जब्त करके पुलिस थाने में लगा दिया है। उसी प्रकार से अगर हमें आगे भी अगर ऐसी कोई रीति वातों का अवैध धंधे कलमना हद में मिलते हैं तो उससे भी बड़ी कार्रवाई हम आगे भी करेंगे और कोई भी अवैध धंधा आगे से हद्दी में कलमना हद्दी में चलने नहीं देंगे। पुलिस ने कहा है कि भविष्य में भी अवैध रेती यातायात करने वाले ट्रकों पर कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल पुलिस के सख्त रवैये के बाद भी बड़ी मात्रा में अवैध रेती का यातायात किया जा रहा है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ प्रकाश शंकलवार की रिपोर्ट।